हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटीसी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो नोटिफिकेशन एनसीईआरटीसी में इनवाइट की गई है, ये फ्रेंड्स आपके यहां पर वेरियस पोस्ट के लिए है, जिसमें आप 15/9/2021 से 30/9/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस एसोसिएट की वैकेंसी है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर प्रोग्रामिंग एसोसिएट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी रहेगी और स्टेशन कंट्रोलर की वैकेंसी यहां पर आपकी रहती है। तो यहां पर डिप्लोमा होल्डर, आईटीआई होल्डर, डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको jobrasta.com पर या फिर आप एनसीईआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, और यहां पर आपको नीचे आने पर लिंक मिल जाएगा जो कि है रजिस्ट्रेशन का, और एक मिलेगा आपको लॉगिन का। तो सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो इंस्ट्रक्शंस पेज है ये ओपन होगा। तो आपको ये जो आपकी प्रोसेसिंग है उसको आपको 100% होने देना है, इसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर फिल करेंगे आपका नाम। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ फिल करेंगे, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और आपकी जो मेल आईडी है वो आपको देना होगा। मोबाइल नंबर और मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि आगे की जो भी आपकी प्रोसेस होगी, आगे की जो डिटेल्स होंगी वो आपको इन पर ही मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर डिटेल्स को सही से फिल करें, नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। इसके बाद आप यहां से डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, यहां से आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आप यहां पर फिल करेंगे, ओनली नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, और उसके बाद आप यहां से इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप यहां से लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा। पासवर्ड कहां मिलेगा? तो पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है, उसके थ्रू आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर पासवर्ड नहीं आता है, थोड़ी देर आप वेट करें, या फिर आप यहां पर फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, आपके पास दोबारा से मेल सेंड कर दिया जाएगा आपके पासवर्ड का। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना होगा अप्लाई करने के लिए। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है या टैब मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी इसको आप कंप्लीट होने देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने ओपन होते हैं, आप यहां पर इसे क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर आपका है पोस्ट कैटेगरी, तो आपको यहां पर नॉन एजुकेटिव सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए फ्रेंड्स सेंटर चॉइस आपको करना होगा, और आपको यहां पर सेंटर्स मिलेंगे और इसमें आपको 3 सेंटर्स आपको चूज करने होंगे कम से कम, और ये फ्रेंड्स यहाँ पर चूज करना ज़रूरी है। इसके बाद है आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाइंग कैटेगरी कौन सी है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, ये आपकी कैटेगरी होगी और जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। आपको फ्रेंड्स यहां पर ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपको शो करना ज़रूरी होगा। इसके बाद है जेंडर ऑप्शन, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, आपकी DOB क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया 1/9/2021 को काउंट होकर आ जाएगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस कर सकते हैं, आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट आप बताएंगे, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डाटा को सेव एंड नेस्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी पर्सनल डिटेल्स का। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एंटर करना है आपका फादर नेम, इसके बाद आपको एंटर करना होगा यहाँ पर मदर नेम, नेक्स्ट ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का, और उसके बाद आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो फ्रेंड्स आपको जो भी आपका एड्रेस जो भी आप लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है आपका प्रेजेंट का एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आपका वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है किस स्टेट के आप निवासी हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपको सिटी यहां पर मेंशन करनी होगी, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका जो पिन कोड है वो आपको फिल करना होगा।
अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मीन्स प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप नो करके अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इस डाटा को भी सेव एंड नेस्ट करेंगे। इसके बाद आएगा आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पर टेंथ की एंट्री करनी होगी, तो बोर्ड का नाम आप यहाँ देंगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आपकी परसेंटेज क्या है और आपका जो यूनिवर्सिटी है वो उसका नाम क्या है या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने जो इंस्टीट्यूशन है या फिर स्कूल है उसका नाम आप यहाँ पर पूरा नाम फिल कर देंगे। ऐसे ही अब आपको 12th की एंट्री करनी है, सेम आपके बोर्ड का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका जो परसेंटेज है और उसके बाद फ्रेंड्स आपका सेम जो आपका इंस्टीट्यूशन का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है डिप्लोमा डिटेल्स या फिर नीचे है आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में जो आपसे मैंडेटरी मांगा है वो आपको फुलफिल करना जरूरी होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। जैसे आपसे यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है तो डिप्लोमा आप देंगे, ITI मांगा है तो आप ITI देंगे। तो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आप एंट्री करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। अब आपने डिप्लोमा किस में किया है उसकी जानकारी आपको देनी है, तो आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपने इसको कब पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और उसके बाद आपको परसेंटेज की एंट्री करनी होगी, कितनी परसेंटेज आपकी यहाँ पर है। इसके बाद है ग्रेजुएशन डिटेल्स, अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं BE, BTEC, BSc, BSc ऑनर्स तो आप इसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस पोस्ट के लिए फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका मैंडेटरी है तो आपको ये फिल करना ज़रूरी होगा। इसके बाद आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी यहाँ पर एंटर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेवन नेस्ट का, आप इस डाटा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका आएगा जो कि आएगा डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड का। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके डिप्लोमा की या डिग्री की आपको अपलोड करनी है। अगर आपने देखिए डिप्लोमा शो किया है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, अगर आपने डिग्री शो की है तो आप डिग्री शो कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहां पर क्वालिफिकेशन शो करते हैं वो आप कर सकते हैं अपलोड। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना होगा। अब ये फ्रेंड्स आप PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में जैसे भी करना चाहें वो आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फोटो है वो 20 से 80 KB के बीच में आपको अपलोड करनी है, और ऐसे ही फ्रेंड्स जो सिग्नेचर है वो भी आपको 10 से 80 KB के बीच में अपलोड करना होगा। जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे आपको अपलोडेड का मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, I agree करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा का प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको देखिए जो रिसोर्सेज है वो अभी आपको अवेलेबल शो कर रहा है, क्योंकि अभी ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है इसलिए। बाद में फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पर आपका प्रीव्यू शो करेगा और अगर आप प्रीव्यू से सेटिस्फाई हैं तो आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी सबमिट करने पर देखिए आपका एरर शो कर रहा है, क्योंकि अभी वेबसाइट ओपन हुई है तो यहाँ पर कुछ एरर की प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे ही वेबसाइट यहाँ पर सही ढंग से वर्किंग करने लगेगी आप यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट कर पाएंगे। और आपका अगर पेमेंट लगता है तो आप पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन, आप किसी भी मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें पेमेंट को कन्फर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी आपको देखिए जो पेमेंट है वो भी आपको यहाँ पर अभी कम शो कर रहा है, जबकि पेमेंट यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका लगने वाला है जनरल OBC EWS के लिए वो 500 रुपये रहेगा। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट कर पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा वेबसाइट अभी ओपन हुई है, अभी स्टार्टिंग हुई है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके सर्वर में आ रही है। आपको प्रोसेस मैंने सारी बता दी है, कंप्लीट बता दी है, आपको सिर्फ यहाँ पर आप इसे सबमिट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स जो आपका डैशबोर्ड है यहां पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है यहां पर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, और आप यहां इस एक्शन वाले ऑप्शन पर जाकर भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं, डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई का ऑप्शन है यहां पर आप जब दोबारा क्लिक करेंगे तो आप यहां पर किसी नई पोस्ट के लिए, किसी दूसरी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। अब ये चीज ध्यान रखिएगा एग्जाम डेट फ्रेंड्स सेम डे हो सकती है, वो चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आप चाहें तो दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जो अपडेट बताई है आपके NCERTC रिक्रूटमेंट 2021 से रिलेटेड, अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 21/9/2021 से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल NLR। थैंक्स फॉर वॉचिंग।